हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस लॉ सीरीज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि हमारी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 में दी गई है सेक्शन 154 के अंदर। पर जानने से पहले कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है, पहले इसके लिटरल मीनिंग जानते हैं कि व्हाट इज एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मींस द इंफॉर्मेशन by whomsoever given to the officer in charge of a police station in relation to the commission of a cognizable offence and which is first in point of time and on the strength of which investigation into that offence is commenced. First information report वो information है जो किसी के द्वारा भी दी जा सकती है, जैसे कोई एक्यूज जो कोई विक्टिम है, जरूरी नहीं कि ये विक्टिम द्वारा ही दी जाए, जो सफर करे वो उसके द्वारा दी जाए, ये किसी के द्वारा भी दी जा सकती है जिसको जानकारी है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस सेक्शन 2 सब सेक्शन सी में दिया हुआ है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस है जो फर्स्ट शेड्यूल में दिया गया है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर और एनी इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकती है। आप समझ जाइए, अगर विदाउट वारंट अरेस्ट करने का ऑर्डर है तो सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस होगा। तो जिस केस में 3 साल से ज्यादा की सजा होती है आईपीसी या किसी और अदर लॉ में 3 साल से ज्यादा की सजा होती है, उसे हम विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं अगर चाहे पुलिस और अदर अथॉरिटीज। तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट वो इंफॉर्मेशन है जो कि कोई भी इन्फॉर्मेंट देता है पुलिस को कि एक कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है और जो फर्स्ट इन पॉइंट ऑफ टाइम है, जो सबसे पहले इंफॉर्मेशन दी गई है जिसके बेस पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। मतलब पहला इंफॉर्मेशन क्राइम के बारे में जिस पे बेस करके पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है। Principal objective of the FIR from the point of view of the informant is to set the criminal law in motion, and from the point of view of the investigating authority, that is police hai ya kisi aur ko power di gayi hai, is to obtain information about the alleged crime activity so as to be able to take suitable steps to trace the accused person or offender whatever. जो एफआईआर का 2 मेन प्रिंसिपल मोटिव है, अगर हम अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, अगर जो इन्फॉर्मेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, टू सेट क्रिमिनल लॉ इन मोशन। जब तक हम जाके इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे पुलिस को कि क्राइम हुआ है, कैसे वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कैसे करेंगी? तो फर्स्ट इन पॉइंट इसी से जो क्रिमिनल लॉ है वो मोशन में आएगा, स्टार्ट होगा सब कुछ फर्स्ट पॉइंट। और अगर हम इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है कि क्यों इम्पोर्टेंट, अगर उन्हें जो क्राइम लिस्ट हुआ अगर उनके बारे में इन्फॉर्मेशन हम नहीं देंगे तो उसे पकड़ेंगे कैसे, ट्रेस कैसे करेंगे और लाएंगे कैसे एक्यूज को जो ऑफिसर ने गलत काम किया है। तो समझ में आ गया कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट क्या है एज ए जर्नल। अब सेक्शन 154 सीआरपीसी जो चैप्टर 12 में दिया हुआ है सीआरपीसी के, वो कहता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में, उसके अंदर ये प्रिंसिपल ऐड किया गया है। देखते हैं प्रोविजन क्या दिया हुआ है सेक्शन 154 के अंदर। एनी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस मे गिव इंफॉर्मेशन टू पुलिस एंड मे देयर बाय सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। द इंफॉर्मेशन सो रिसीव्ड शैल बी रिकॉर्डेड इन सच ए फॉर्म एंड सच ए मैनर एज प्रोवाइडेड इन दिस सेक्शन एज फॉलोज। ठीक है, क्या बोल रहा है वो कि information given orally to officer in charge of police station shall be reduced to writing by the officer himself or under his direction. Section 154 कहता है कोई भी person है अगर उसको वो aware है कि कोई any cognizable offence हुआ है, कोई crime हुआ है जो कि cognizable है, तो वो जाके पुलिस को इंफॉर्मेशन देता है और जो पुलिस है वो फॉलोइंग तरीके से उसे जो ये स्टेप दिए हुए इस तरीके से उसे रिकॉर्ड करती है उस इंफॉर्मेशन को। तो अगर इंफॉर्मेशन ओरली दी गई पुलिस ऑफिसर इंचार्ज को तो वो उसे राइटिंग में रिड्यूस करते हैं, उसे लिख लेते हैं, और जहां पे वो लिख लेते हैं उसके बाद वो उसे
इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको पढ़ के सुनाते हैं कि देखिए आपने यही कहा, हमने ये लिखा है, कि दोनों मैच करे, कुछ गलत ना लिखा जाए. द सब्सटेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन शैल बी देन इंटर्ड बाय द पुलिस ऑफिसर इन ए बुक टू बी केप्ट बाय सच एन ऑफिसर इन द फॉर्म प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट गवर्नमेंट. अब एक पुलिस डायरी होती है, पुलिस की एक अलग से फाइल होती है, वो उस डायरी में वो सारा लिखते हैं जो सब्सटेंस है कि क्या इन्फॉर्मेशन में दिया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में क्या रिपोर्ट वो दी है, उसने क्या फैक्ट्स बताए हैं, तो वो उस डायरी उस अपने उस एंट्री करते हैं उस बुक में. स्टेट गवर्नमेंट उसका फॉर्म बताती है कि उसे कैसे रखना है कैसे नहीं करना, उनके द्वारा ही दिया जाता है, तो उसमें वो रिकॉर्ड कर लेती है. और जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एफ आई आर की कॉपी जो इन्फॉर्मेंट है जिसने भी इन्फॉर्मेशन दी है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं. If the officer in charge refuses to record information, the aggrieved person may send in writing and by post the substance of such information to the SP concerned. If the SP is satisfied about the commission of cognizable offence, he shall either investigate the case himself or direct an investigation to be made by a subordinate police officer. I'm sorry, आप ये reuses नहीं है, refuses है, मना कर देता है. अगर कोई पुलिस ऑफिसर इन चार्ज है वो मना कर देता है कि नहीं मैं आपका इन्फॉर्मेशन नहीं रिकॉर्ड करूंगा, और जो पर्सन जिसको जो इन्फॉर्मेंट है जो aggrieved पर्सन है वो या तो राइटिंग में और बाई पोस्ट वो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस को अपनी इन्फॉर्मेशन भेज सकता है, फैक्ट के साथ वो उन्हें लिख के भेज सकता है. और अगर एसपी को लगता है कि नहीं कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है, सही है उनके सेटिस्फेक्शन में, तो वो क्या कहते हैं, या तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं उस केस की उस फैक्ट पे बेस्ड, या तो फिर किसी सबॉर्डिनेट पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि आप इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए. सेक्शन 154 दो बार अमेंड किया गया है, 2013 एंड 2018 में क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट जिसके द्वारा प्रोविजो ऐड किए गए 154 में. देखते हैं क्या अमेंडमेंट ने क्या ऐड किया है. इफ द इंफॉर्मेशन गिवन बाय वुमेन अगेंस्ट होम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A, 326B, 354, 354A, 354B, 354 of Indian Penal Code is alleged to have been committed or attempted, then such information shall be recorded by a woman officer or any woman officer, police officer or any woman officer. आप देख सकते हैं जो ये sections है ये specially related to women है. 326 से बताता है, एसिड अटैक बताता है, 354 नया एड किया गया था 2013 amendment के बाद, stalking, voyeurism, modesty of women, rape, ये जो वुमेन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंस हैं जो इंडियन पेनल कोड में दिए हैं, अगर उनकी जिनको हुआ किसी वुमेन उसके बारे में ऑफेंस के बारे में बताती है, तो जो वो इन्फॉर्मेशन है वो किसी वुमेन और पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी कन्वीनियंट के लिए. उसके लिए ईजी होगा अपनी बातें कहना, एक पुलिस ऑफिसर के लिए, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी सही है, इसलिए ये प्रोविजन इसमें ऐड किया गया था. दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है. इन द इवेंट दैट द पर्सन अगेंस्ट होम एन ऑफिस अंडर सेक्शन 354, 354A, 354C एंड सो ऑन ऑफ इंडियन पेनल कोड इज एलिस्ट टू हैव बीन कमिटेड और अटेम्प्टेड इज टेम्पररली और परमानेंटली मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड, देन सच इन्फॉर्मेशन शैल बी रिकॉर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर एट द रेसिडेंट ऑफ द पर्सन सीकिंग टू रिपोर्ट सच ऑफेंस और at a convenient place of such person's choice in the presence of interpreter or special educator. ये जो offence against women है, अगर जो इनकी information देने वाली है, जिनके against ये commit हुआ है, वो physically या mentally disabled है, तो जो police officer है वो information, अगर वो information देने की इच्छुक है कि वो देना चाहती है कि मेरे साथ ये सब हुआ है और मैं information देना चाह रही हूँ, पर वो physically और mentally disabled है, तो जो पुलिस ऑफिसर है वो उनके घर में जाके, उनके रेसिडेंट पे जाके रिकॉर्ड करेंगे उनका इन्फॉर्मेशन जो बताना चाहती हैं, या फिर उन जो भी प्लेस उनके लिए सुटेबल हो, जो चॉइस उनके घर वाले करते हैं कि नहीं यहाँ पे आके आप ले लीजिए, तो वहाँ पे जाके रिकॉर्ड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरप्रेटर एंड स्पेशल एजुकेटर. अब मेंटली और फिजिकली डिस्टर्बल है तो नॉर्मल पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता चीज़ें समझने के लिए, तो इंटरप्रेटर एंड स्पेशल एजुकेटर के प्रेजेंस में ही करेंगे. The recording of such information shall be videographed. Videograph की जाएगी recording, उनके घर पे हो रही है, उनकी उनके choice की जो जगह पे वहाँ पे भी videograph की जाएगी ये recording information की. The police officer shall get the statement of the person recorded by judicial magistrate under clause A, 5A of section
164 as soon as possible. Here section 164 talk about the recording of confession by the magistrate. इसमें ये कहता है कि तो ये पुलिस ऑफिसर जो रिकॉर्ड किया है ये उसमें shall get statement of person recorded by the पुलिस जो रिकॉर्ड करके जा रहे हो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने वो उनको उस तरीके से पेश कर सकते हैं इस सेक्शन के अंडर. तो सेक्शन 154 के प्रोविजन में ये दिया हुआ है कि ये सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई सारी बातें मैंने आपको बता दी है. अब देखते हैं कि थोड़ा सा और जानते हैं कि एफआईआर है क्या. एफआईआर है क्या. इट द क्वेश्चन वेदर ए स्टेटमेंट इज एफआईआर और इज वन मेड आफ्टर द रिसीट ऑफ एफआईआर एज्यूम इम्पोर्टेंस. अब एफआईआर क्या है ये, या ये वो इंफॉर्मेशन है जो पहले दी गई है या फिर एफआईआर जो इंफॉर्मेशन देने के बाद जो पुलिस रिकॉर्ड करती है वो उसे माना जाए. तो कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में ये बात कही कि नहीं जो जो फर्स्ट इन पॉइंट इन टाइम है मतलब जो पहले दी गई है इंफॉर्मेशन वही एफआईआर होगी ना कि एफआईआर रिकॉर्ड करने के बाद जो चीजें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने के बाद जो स्टेटमेंट दिया जाए उन्हें एफआईआर माना जाए. जैसे एग्जाम्पल लीजिए एक आदमी आता है और कहता है कि उसने एक वुमेन को कटे हुए गले के साथ में देखा था. पुलिस ने उनकी ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की पर जब उसका फादर आके कहता है पुलिस को कि मेरी बेटी का मर्डर हो गया है और उसका थ्रोट कट गया है तो पुलिस ने ये इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की. तो इसका ये मतलब नहीं होगा कि जो पहले इन्फॉर्मेशन दी गई है वो एफआईआर नहीं होगा जो उसके फादर ने आके कही बातें जो पुलिस ने रिकॉर्ड की वो एफआईआर नहीं. जो पहले दिया है इन्फॉर्मेशन आके उसे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट मानी जाती है. सेक्शन 154 डज नॉट नेसेसरली कंटेम्प्लेट दैट ओनली वन इंफॉर्मेशन ऑफ ए क्राइम शुड बी रिकॉर्डेड एज एफआईआर बट ऑल इंफॉर्मेशन गिवन टू द पुलिस बिफोर इन्वेस्टिगेशन इज इट स्टार्टेड में अमाउंट टू फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट. जरूरी नहीं है कि सिर्फ आप एक ही इंफॉर्मेशन दें किसी एक ऑफेंस से क्राइम के बारे में इंफॉर्मेशन दें. जो भी इंफॉर्मेशन आप देते हैं पुलिस को बिफोर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले अगर एक बार इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो गई तो फिर वो जो भी आप बातें कहेंगे वो एफआईआर में नहीं आएगी. जो भी आप बातें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होने से पहले उन्हें बताते हैं रिलेटिंग टू ए ऑफेंस वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आती है. अब जैसे मान लें कि सेम ऑफेंस के लिए दो पुलिस ऑफिस दो अलग अलग पुलिस स्टेशन में एफआईआर इंफॉर्मेशन दी गई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए ये दोनों ही मानी जाएंगी एविडेंस में एडमिसिबल होती हैं एविडेंस एक्ट में जब ट्रायल चलता है उस केस के लिए. ओमिशन इन एफआईआर वेदर जस्टिफाइड. कोर्ट कहता है कि एफआईआर इज नॉट एन इनसाइक्लोपीडिया ऑफ एंटायर केस. ये जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ बताएं कि एक एफआईआर में इतना सफिशिएंट होता है कि एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम आप बता दें कि ऐसा ऐसा कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है ये बातें इस सर्कमस्टांसेस में हुआ कोई आई विटनेस था तो आई विटनेस का नाम दे दें ये कल्प्रिट है तो इस कल्प्रिट का नाम ले दें ये वेपन से हुआ. पर जरूरी नहीं है कि आप सब कुछ एक एक माइनर डिटेल बताएं. लीस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी होती है एफआईआर में ताकि क्रिमिनल लॉ इन मोशन हो जाए मतलब वो स्टार्ट हो जाए कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए हो जाए. पर कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं इन्फॉर्मेशन इट विल स्पेसिफिक कॉग्निजिबल ऑफेंस जैसे नॉन मेंशनिंग ऑफ नेम ऑफ विटनेसेस मेयर नॉन इलाबोरेशन ऑफ वेपन मैनर ऑफ एसॉल्ट एंड नॉन स्पेसिफिकेशन ऑफ एसॉल्ट आर नॉट सफिशियंट टू डिस्कार्ड द प्रोसिक्यूशन केस. कोर्ट ये कहती है कि अगर कहीं पे भी आपने नाम नहीं बताया विटनेस का नाम नहीं बताया ये नहीं बताया कि किस टाइप का एसॉल्ट हुआ या कौन कल्प्रिट आपको कल्प्रिट का नाम नहीं पता या किस टाइप का वेपन यूज हुआ अगर ये सब बात अगर नहीं है इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट में तो प्रोसिक्यूशन का केस कोर्ट जो है वो उसे वीक नहीं मानेगी ना ही डिस्कार्ड करेगी इस बेसिस पे कि एफआईआर में ये सारी बातें नहीं थी. तो ओमिशन इन लाइक नॉर्मल कंडीशन जो है ओमिट हो रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि अब एफआईआर में हर एक चीज बताए. इट्स नॉट एन इनसाइक्लोपीडिया इट जस्ट यू हैव टू गिव लीस्ट इंफॉर्मेशन एंड डिले इन फाइलिंग एफआईआर. कोर्ट कहती है कि देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट डिले इन लॉजिंग द एफआईआर वुड ऑटोमेटिकली रेंडर द केस डाउटफुल इट डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ ईच केस. कोर्ट कहती है कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि
अगर एफआईआर लॉन्च करने में लेट हो गई है तो प्रोसिक्यूशन का केस डाउटफुल होगा कि कुछ झोल है केस में. ऐसा कुछ नहीं है. हर केस के हर केस के सर्कमस्टांस बेस करके आप कोर्ट को डिसाइड करना होता है कि डिले इन एफआईआर गलत है कि उसे वेव किया जा सकता है. डिले हो गया कोई बात नहीं. प्रोसिक्यूशन के पे होता है कि वो केस अपना प्रूफ करे कि डिले हुआ है. कोर्ट को एक पॉइंट मिल जाता है जिसपे प्रोसिक्यूशन को प्रूफ करना पड़ता है डिले क्यों हुआ. अगर कोई सेटिस्फाई डिले क्यों हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी हो जाता है कि हम तुरंत केस फाइल नहीं करते. हम ट्रॉमा में होते हैं या सोसाइटी के प्रेशर. मोस्टली रेप केसेस में तुरंत एफआईआर फाइल बहुत सारे केसेस में नहीं होते हैं बिकॉज सोसाइटी के प्रेशर में. सोसाइटी के प्रेशर में कि कैसे जाएंगे कैसे दिखाएंगे तो कई दिनों बाद एफआईआर करने की हिम्मत आती लोग करते हैं. तो इस केस में आप क्या कहेंगे कि केस डाउटफुल है. नहीं तो डिले जस्टिफाइड है. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. हर केस के हर केस अलग होता है. हर केस के सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं. उस पर बेस करके हम बताते हैं कि है कि नहीं डिले जस्टिफाइड है कि नहीं. एफआईआर के बारे में कुछ पॉइंट जानना जरूरी है कि इट शुड बी इंफॉर्मेशन ऑफ फैक्ट डिस्क्लोजिंग द कमीशन ऑफ ए कॉग्निजेबल ऑफेंस. इंफॉर्मेशन ये जो एफआईआर है वो कोई फैक्ट डिस्क्लोज करेगा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है. फैक्ट होने चाहिए उसमें. वेग एंड इनडिफिनिट नहीं होना चाहिए एफआईआर. इट मे बी गिवन बाई एनीबडी. कोई भी दे सकता है. द इंजर्ड शुड नॉट ऑलवेज बी द फर्स्ट पर्सन. जरूरी नहीं कि जो इंजर्ड है जो एग्रीव्ड है वही आके आपको फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दे. कोई भी आके किसी ने देखा कहीं रास्ते में दो लोग की मारपीट हो रही है सीवियर लेवल की तो कोई जाके कोर्ट में इन्फॉर्मेशन दे देता है सॉरी पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे देता है कि मैंने वहां पर क्राइम होते देखा है. और तो वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ही मानी जाती है. आके विटनेस दे सकता है. इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑफेंडर और द विटनेस शुड बी नेम. जरूरी नहीं कि जो ऑफेंडर है और विटनेस है उसका नाम होना. फिर मैंने बताया ओमिशन बताया मैंने कि अगर वो आप विटनेस का नाम भी नहीं बताते ऑफेंडर का नाम भी नहीं बताते तो कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है एफआईआर में. तो देखते हैं कि अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है. प्रोविजन रिलेटेड टू एफआईआर. अच्छा ये बताने से पहले मैं बता दूं कि जो टेलीफोन से जो हमें कई बार पुलिस कंट्रोल रूम में टेलीफोन से मैसेजेस जाते हैं उनको फोन जाता है या फिर मैसेजेस जाते हैं कि कहीं पे कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है तो इसे हम एफआईआर नहीं मानते हैं बिकॉज ये पुलिस को बताई नहीं जाती है. वो उसे राइटिंग में रिड्यूस नहीं करते और इन्फॉर्मेंट जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसका साइन भी नहीं होता है उस पर तो इसे हम एफआईआर नहीं मानते. पर कोर्ट ने कहा है कि जब ऐसा कभी हो तो जो ले रहा है फोन स्टेशन मास्टर जो है वो फोन रिसीव कर रहा है तो सारे इन्फॉर्मेशन वो लिख ले और खुद ही साइन करके इन्फॉर्मेंट की तरह उसे प्रेजेंट करे कोर्ट के सामने एविडेंस में. ये एडमिसिबल होता है एविडेंस में. तो वो कोर्ट को कहेगा कि मैंने ट्रू और ऑनेस्ट तरीके से जो भी मुझे बताया गया फोन पे इन्फॉर्मेशन मैंने उसको लिखा एज ए इन्फॉर्मेंट मैंने उसको लिखा और मैं उस पर मैंने खुद ही साइन की है और मैं एविडेंस प्रेजेंट कर रहा हूँ ट्रायल में प्रोसिक्यूशन की तरफ से. तो कुछ प्रोविजन है जो अभी तो हमने सेक्शन 154 देखा जो प्रोविजन उसमें दिए गए थे वो सीआरपीसी ने दी है. ये जो प्रोविजन है वो बाय जजमेंट निकली है थ्रू द जजमेंट कोर्ट की जजमेंट से. ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन निकले हैं. पुलिस ड्यूटी टू रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन व्हेन एनी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजिंग अ कॉग्निजेबल ऑफेंस लेड बिफोर द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ ए पुलिस स्टेशन ही हैज नो ऑप्शन बट टू रजिस्टर द केस. Mandatory registration of FIR. The leading case Lalita Kumari versus State of Uttar Pradesh and Satish Kumar Goel versus State. ये बहुत ही important provision है. Court ने इसमें कहा है कि ये पुलिस की duty है कि वो information record करे ही करे. जहां भी उन्हें information दी जाती है कि एक cognizable offence हुआ है ये पुलिस की duty है. उनके पास कोई other option नहीं होता है कि केस को register करें. इसी में बेस एक कॉन्सेप्ट है जीरो एफआईआर का जो आजकल के सिनारियों में बहुत इंपॉर्टेंट हो रखा है और लोगों को इस बात के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि ये काइंड ऑफ उनका राइट है सब्सटेंशियल राइट है ये जीरो एफआईआर का. देखते जीरो एफआईआर है क्या. रिफ्यूजल टू रिकॉर्ड एन एफआईआर ऑन द ग्राउंड दैट प्लेस ऑफ क्राइम डज नॉट फॉल विद इन द टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द पुलिस स्टेशन अमाउंट ऑफ डिलीरेक्शन ऑफ ड्यूटी. इंफॉर्मेशन अबाउट कॉग्निजेबल ऑफेंस वुड हैव टू रिकॉर्डेड एंड फॉरवर्डेड टू द पुलिस स्टेशन हैविंग ज्यूरिडिक्शन. जीरो एफआईआर का कॉन्सेप्ट यही है कि कभी भी
किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अगर कोई इन्फॉर्मेंट इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुई है, तो पुलिस उस पर मना नहीं कर सकती है कि ये मेरा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन नहीं है, ये एरिया मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं आता है। उसे मैंडेटरली ऑब्लिगेटरली उसे वो FIR रजिस्टर करनी पड़ती है, और जब उन्हें पता लगता है कि ये इस ज्यूरिडिक्शन का केस है, तो वो इन्फॉर्मेशन वो फॉरवर्ड कर देते हैं जिस पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में ये केस आता है, पर उन्हें वो रिकॉर्ड करनी पड़ती है। वो ये नहीं कह सकती कि मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं। आपने देखा होगा कई सारी मूवीज में या रियल क्राइम शोज में देखा होगा कि यहाँ से वहाँ पुलिस स्टेशन वो टहलाते रहते हैं, इसी में कितना समय चला जाता है। जो अगर लोग जो लोग आगे भी आते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए, उनका हिम्मत टूट जाती है कि वो उन्हें दौड़ाते रहते हैं, ये मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, या फिर रीजन में नहीं है। इसके बारे में प्रोविजन दिया हुआ है, CRPC में भी दिया है, CPC में भी दिया है, पर पुलिस अक्सर ये करती हुई नजर आती है कि ये मेरे एरिया में नहीं है, आप अपने मेरे ज्यूरिडिक्शन में नहीं है, आप दूसरे ज्यूरिडिक्शन में जाइए। तो इसे हटाने के लिए जीरो FIR कॉन्सेप्ट लाया गया है, और ललित कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है इस पॉइंट पे। सर्टेन प्रोविजन ऑफ सेक्शन 154 आर नॉन मैंडेटरी एंड मेयर प्रोसीजर एंड द ओमिशन ऑफ वन ऑफ सच कैन नॉट अफेक्ट द लीगल कॉन्सिक्वेंसेज विच फॉलोज द इन्फॉर्मेशन गिवन अंडर सेक्शन 154। ये कहता है कि जो सेक्शन कुछ प्रोविजन है, जैसे आफ्टर रिड्यूसिंग टू द राइटिंग द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द इन्फॉर्मेंट, द साइनिंग ऑफ द सेम बाय द पर्सन गिविंग द इन्फॉर्मेशन, अगर ये सब है कि अगर आपने इसको रिटर्न में उतार लिया पर आपने उसको रीड ओवर नहीं किया इन्फॉर्मेंट को, अभी मैंने देखा था कि ये 154 में दिया है कि उसके ऊपर पढ़ना पड़ता है, ये प्रोसीजर इस तरह से ही FIR रजिस्टर करनी चाहिए। तो अगर उसने लिख तो लिया है पर उसको पढ़ के नहीं सुनाया या उसका साइन नहीं लिया, तो इससे ये क्या ही मेरी प्रोसीजर है, नॉन मैंडेटरी नहीं है ये, अरे नॉन मैंडेटरी है ये, जरूरी नहीं कि अगर ये नहीं किया तो आपका जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस है इन्फॉर्मेशन के वो खराब हो जाएंगे, नहीं, वो प्रॉपर फाइन FIR रहेगा। एक्ट ऑफ गिविंग एंड रिकॉर्डिंग कंस्टिट्यूट वन ट्रांजेक्शन, द गिविंग ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड रिकॉर्डिंग द सेम इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस। जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और रिकॉर्डिंग, वो एक ट्रांजेक्शन है। अगर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और रिकॉर्डिंग अलग अलग होगी तो FIR नहीं होगा, हम बोल रहे हैं और आप लिखिए, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। अगर जब ये होता है तभी FIR का जो एक एक्ट है, एक कॉन्सेप्ट है, वो पूरा होता है। वो एक ट्रांजेक्शन, गिविंग एंड रिकॉर्डिंग कंस्टिट्यूट वन ट्रांजेक्शन। FIR इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट एंड एन अक्यूज्ड इज एंटाइटल्ड टू हैव इट सर्टिफाइड कॉपी। द डिनायल ऑफ कॉपी विल बी वॉलेटिव ऑफ आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो FIR है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट है और अक्यूज को ये राइट होता है कि उसकी सर्टिफाइड कॉपी उसे दी जाए। चलिए अब देखते हैं एविडेंट्री वैल्यू। एविडेंट्री वैल्यू क्या होती है? अगर कोई भी स्टेटमेंट या कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम ट्रायल में एविडेंस में देते हैं, तो वो उस जो हम डॉक्यूमेंट या जो स्टेटमेंट देते हैं उसकी कितनी वैल्यू है, मतलब कितना इम्पोर्टेंट है वो, उस पर कन्विक्शन किया जा सकता है कि नहीं, ट्रायल प्रोसीड किया जा सकता है कि नहीं, डिसीजन बेस्ड किया जा सकता है कि नहीं उस स्टेटमेंट या डॉक्यूमेंट में, उसे हम एविडेंट्री वैल्यू कहते हैं किसी भी चीज की, कि इसे एविडेंस में उसको कितना वेटेज मिला है। तो देखते हैं FIR की कितनी वेटेज है एक प्रोसिक्यूशन केस में। ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन ही FIR को एविडेंस में देगा, तो FIR की क्या वैल्यू है? तो FIR इज नॉट ए पीस ऑफ सब्सटेंटिव एविडेंस, ये स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है FIR। बहुत सारे कारणों से इसे सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं माना जाता है, एंड इट कैन नॉट बी रिफर टू द एविडेंस गिवन बाय द विटनेस इन कोर्ट, बट FIR कैन बी पुट इन द एविडेंस। आप पुट कर सकते हैं, प्रोसिक्यूशन पुट कर सकता है, पर ये बहुत ही वीक काइंड ऑफ एविडेंस होता है और कोर्ट इस पे जजमेंट नहीं फॉर्म करती है, इसे सिंगली इस पे कभी भी जजमेंट नहीं देगी कोर्ट। हाँ, पर FIR को हम लिमिटेड पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, कोरोबोरेटिंग के लिए यूज कर सकते हैं, सेक्शन 157 के एविडेंस एक्ट में दिया हुआ है, या कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए दे सकते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन में, जो सेक्शन 145 एविडेंस में दिया हुआ है। कोरोबोरेशन ये होता है कि जब भी ट्रायल से पहले जब विटनेस एविडेंस में जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब पहले वो विटनेस या कोई पर्सन कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया गया है और अभी जो वो बोल रहा है, तो वो दोनों मिल रहा है कि नहीं, कोरोबोरेट कर रहा है कि नहीं, सेम फैक्ट जो उसने FIR के टाइम में बताई थी जब क्राइम हुआ था, और जब वो विटनेस एज ए विटनेस आया है और जब बता रहा है, तो वो कोरोबोरेट कर रहे हैं कि नहीं, मिल रहे हैं कि नहीं, वो स्ट्रांग बना रहे हैं कि नहीं, या तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए,
क्रॉस एग्जामिनेशन जब होगा तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे. आप कुछ कह रहे हो और आपने वो स्टेटमेंट पहले बनाई है तो हम उसे कॉन्ट्राडिक्ट कराते हैं, मतलब क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं. इट कैन ऑल्सो बी यूज अंडर सेक्शन 32(1) और डाइंग डिक्लेरेशन के तौर पे हम यूज कर सकते हैं एफआईआर को, या फिर सेक्शन 8 कई इलस्ट्रेशन जे और के ऑफ एविडेंस में हम यूज कर सकते हैं. जो सेक्शन 8 है वो बताता है कि मोटिव प्रिपरेशन एंड प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट जो होते हैं वो कितने रेलिवेंट होते हैं किसी भी एविडेंस में, किसी भी फैक्ट का केस में जब हम एविडेंस दे रहे होते हैं तो कितने इंपॉर्टेंट. तो इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं के 8 के जे में और के में. एक इलस्ट्रेशन मैं आपको बताती हूँ. द क्वेश्चन इज वेदर ए वॉज रैविश्ड द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर एलिस रेप she made an complaint relating to the crime, the circumstances under which and the term in which the complaint was made are relevant. The fact that without making a complaint she said that she had been ravished is not relevant as a conduct under this section, though it may be relevant as dying declaration under 32 or as a corroborative evidence under section 157. ये क्या इस एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन में क्या है कि ए ने कहा कि वो रैविश, मतलब उसके साथ में रेप होने की कोई रेप की गई, उसके साथ में रेप किया गया, तो वो अपने कंप्लेन में जाके जो बातें कहती है वो इम्पोर्टेंट हो जाती है कि उसके साथ कैसे हुआ, किसने किया किसने नहीं किया, ये रेलिवेंट फैक्ट है. पर बिना कंप्लेन के अगर वो ये सब बातें स्टेटमेंट में रिकॉर्ड कराती है अपने कि मेरे साथ ये कंप्लेन नहीं किया पर उसने ये बताया कि मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ रेप हुआ, इसने किया मेरे साथ, तो ये कोरोबोरेशन के लिए या तो डाइंग डिक्लेरेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, जब वो बता के अगर वो मर जाती है तो उसके अगर डेथ हो जाती है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है, या फिर कोरोबोरेशन के लिए या कॉन्ट्राडिक्शन के लिए ये इम्पोर्टेंट है अगर विदाउट कंप्लेन करती है इस केस में. इस केस में हम यूज कर सकते हैं एफआईआर को, ना कि किसी और अदर केस में. बहुत वीक पीस ऑफ एविडेंस होता है और जनरली कोर्ट इस पे जजमेंट नहीं बेस करती है, मतलब इसे एविडेंस नहीं ही माना जाता है. एक लेवल तक आप देखिए तो इफ द अफेयर इज ऑफ ए कन्फेशनल नेचर इट कैन नॉट बी प्रूव अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन. अब अगर एफआईआर, अगर किसी ने क्राइम खुद किया है, जैसे वो खुद एक्यूज्ड है, मतलब उसने मानिए ए है अपनी बीवी का डेथ, अपनी बीवी का मर्डर करके वो कोर्ट जाता है, पुलिस स्टेशन, कि मैंने अपनी बीवी को मार दिया, इस तरीके से मार दिया, तो ये जो है कन्फेशनल नेचर है एफआईआर का, मतलब वो खुद ही सब कुछ एग्री कर रहा है कि मैंने मारा है. तो सेक्शन 25 ऑफ एविडेंस एक्ट ये कहता है कि कोई भी स्टेटमेंट, कन्फेशनल स्टेटमेंट अगर पुलिस को देता है एक्यूज, उसे कभी भी एविडेंस में यूज नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है. तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि एफआईआर इज नॉट ए सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ए वेरी वीक पीस ऑफ एविडेंस, और इसे हम एविडेंस में खास वेटेज नहीं दी गई है. कोर्ट कभी भी अपना डिसीजन सिर्फ एफआईआर पे बेस्ड करके नहीं देता है. हाँ, कोरोबोरेशन एंड कॉन्ट्राडिक्शन के लिए हम इसे जरूर यूज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है. तो एफआईआर, ये जो है एफआईआर के बारे में हमने आज बात कर ली. एफआईआर बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पता होना चाहिए, और खासकर एग्जाम में ये बहुत आता है कि सेक्शन 154 के अंदर बताइए, एफआईआर का कॉन्सेप्ट बताइए, या एफआईआर की क्या कंडीशन, या एफआईआर की एविडेंट्री वैल्यू बताइए एग्जाम में. तो जितना भी आपने देखा इस वीडियो में वो सफिशिएंट है आपके एग्जाम के लिए. अगर आपको और अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.